तो एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। कल दोपहर यह हादसा हुआ है और अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है लगातार। राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भी जुटी हुई है। यह हादसा देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में हुआ है। ये रोपवे त्रिकुट पर पहाड़ पर बना हुआ है और उसी दौरान यहाँ पर कल दोपहर भी यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत। लेकिन देखिए, अब तक यहाँ फंसे हुए लोगों को निकाला नहीं जा सका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 8 लोग जख्मी भी हुए हैं, 48 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी भी इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देखें, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिकुट पर्वत पर हुए हादसे के बाद यहाँ पर 48 लोग फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में लगे हैं, लेकिन अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए इस मसले पर। प्रकाश, क्या अपडेट है अभी का? कितने पर्यटक फंसे हुए हैं और कब तक इनको निकालने की उम्मीद है? देखिए, जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कल से ही इस पर लोग लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है बचाव एवं राहत कार्य के लिए, और जो पर्यटक वहां पहुंचे थे वो काफी ज्यादा वहां पर संख्या में आ गए थे। ये जो जगह है ये त्रिकुटी पहाड़, और वहां पर ये रोपवे बना हुआ है और इस रोपवे पर से होकर के लोग दूसरी तरफ। प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे और डिटेल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों को देखिए आप, ये देवघर रोपवे कल दोपहर में यहाँ पर हादसा हुआ, 2 महिलाओं की मौत हो गई, अभी भी 48 लोग फंसे हुए हैं अलग अलग ट्रॉलियों में, और उन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत यहाँ पर त्रिकुट पार्क रोपवे गिर गया, फंस गया, देखिए आदमी सब पर्वत पर ये रोपवे जो कि हादसे का शिकार हुआ है, और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आराम से बोल रहा है कि रेस्क्यू में गए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि झारखंड में हुए रोपवे हादसे में अभी भी 48 लोग फंसे हुए हैं। कल दोपहर की ये घटना है और इस मामले में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड में देवघर में बड़ा हादसा हुआ है, की 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा गई जिसमें 8 लोग घायल हुए, 2 महिलाओं की मौत हो गई। 24 घंटे के तकरीबन होने वाले हैं इस रोपवे के हादसे के बावजूद ट्रॉलियों में अभी तक 48 लोग फंसे हुए। प्रकाश कुमार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, सभी 48 लोगों को निकाल लिया जाएगा? देखिए, एबीपी न्यूज के दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना बता देते हैं। ये जो जगह है वो है देवघर। देवघर हर कोई जानता है ज्योतिर्लिंग के लिए, शिवजी की वहां पर है, वहां पूजा की जाती है और लाखों की संख्या में देवघर आते हैं। तो वही जो पर्यटक होते हैं वहां पर जो आते हैं घूमने के लिए, वो बगल में करीब 15 किलोमीटर दूर है ये त्रिकुट पहाड़, जहां पर की रोपवे है और रोपवे की जो ट्रॉली है उससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे और वहां से फिर लौटते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना में ये तो जांच की जा रही है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी बताया जा रहा है कि इसमें 48 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, और इनको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज जो है वो वायुसेना की तरफ से हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और तकरीबन ये 6 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके हैं सुबह में ही, और इसके अलावा आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम त्रिकुट पहाड़ पर पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर के ही माध्यम से सभी फंसे पर्यटकों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है, ट्रॉली से नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में
ये ट्रॉली जाती है, रोपवे है, तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल है कि नीचे से कोई सहूलियत या कोई सहायता मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से सिर्फ इसमें एक ही तरीका है और वो है कि हेलीकॉप्टर की मदद से वहां तक पहुंचा जाए जिस ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 48 बताई जा रही है, और इसे निकालने की पूरी जद्दोजहद लगातार की जा रही है। इसमें स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं, साथ ही वहां के जो सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और खुद क्योंकि आप समझिए कि कल शाम में जो ये हादसा हुआ है उसके बाद से रात भर रात के अंधेरे में लोग पड़े रहे ट्रॉली के अंदर में ही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर और लोगों के अंदर में आशंका रही होगी। जिंदगी और मौत के बीच लोग फंसे हुए एक तरफ ये कहा जा सकता है, और उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है और भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है, पर सवाल ये उठता है निविता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।